प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए ये गुरु का गोचर जो कि वृषभ राशि में 1 मई 2024 को होने वाला है, इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी देने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। अगर आपका मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, दोनों के ही प्रभाव से मैं अलग अलग जो बातें निकल कर आएंगी वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज आप इस वीडियो में यहां साइड में देखते जाएंगे तो यहां स्क्रीन पर आपको गुरु का प्रभाव किन किन भावों पर आएगा, गुरु की दृष्टि कहां कहां पड़ेगी, इन सब की जानकारी भी मिलेंगी। इसीलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप ये तो जानते ही है कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक रहने वाला है। लगभग एक साल का समय है। अब ये एक साल का समय आपके लिए किस तरह का व्यतीत होने वाला है, इसमें आप एक बार जानते हैं कि गुरु किसी भी भाव से गोचर करे उसकी दृष्टि हमेशा शुभ ही परिणाम देती है, उसकी दृष्टि अमृतमय होती है, इसीलिए अमृत के समान प्रभाव देती है। तो इसीलिए दृष्टियों का प्रभाव आपके लिए ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक बात पर गौर करेंगे तो पूर्व में गुरु का गोचर आपका अगर मिथुन लग्न है तो लग्न से लाभ भाव में 11वें भाव में गोचर हो रहा था। यहां साइड में आप देख ही रहे हैं कि जहां पर एक काम का लिखा है वो 11वां भाव है आपकी कुंडली का, और वहां पर गुरु का गोचर होने से ये गुरु का गोचर आपके धन लाभ में वृद्धि करने वाला, आपको अच्छा सुख सुविधा प्रदान करने वाला और जीवन में अच्छे क्षेत्रों से जोड़कर उन्नति देने वाला आपके लिए गोचर था। अगर आपकी दशा आदि भी अनुकूल चली होंगी तो आपने इस गोचर का बहुत अच्छा लाभ उठाया होगा और इस गोचर में सुख सुविधा के अलावा अच्छे धन की प्राप्ति भी आपको हुई होंगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव पिछले गोचर में जो कि अभी भी 1 मई तक रहेगा तब तक गुरु का गोचर इसी प्रकार का बना हुआ है। अब इसके बाद क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। लेकिन लग्न से गुरु का गोचर अच्छा था, यहां तक कि चंद्रमा से भी अच्छा था। अगर आपका आपकी राशि मिथुन है, आप किसी भी लग्न के हैं लेकिन मिथुन राशि है आपकी, तो उससे भी आपने क्या देखा कि आपके लिए जो गुरु का प्रभाव था ज्यादा अनुकूल था। आपकी राशि से अच्छे भाव में होने से आपकी बुद्धि सही प्रकार से काम कर रही थी, आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग भी ले पा रहे थे और अपनी बुद्धि से ही आगे भी बढ़ पा रहे थे, जिसके चलते आपके लिए अनुकूल प्रभाव बन रहा था, आपकी चिंताओं से आपका बचाव हो रहा था। तो ये अच्छी स्थिति थी, मतलब ईश्वर का सहयोग था आपके साथ में। अब क्या होने वाला है कि अब गुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होने वाला है। अब अगर चंद्रमा से बात करें, चंद्रमा से जब भी एक भाव पीछे गुरु का गोचर होता है तो ये भाव चंद्रमा के लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आपके विचारों को आगे बढ़ाने वाला भाव है। अब आपके मन में आ सकता है कि चंद्रमा और गुरु तो मित्र है, आगे पीछे गोचर होने से इतनी खराबी तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसी अवस्था में ये एक दूसरे से द्विद्वादश का योग बना लेते हैं और उसमें भी चंद्रमा से 12वें में स्थित गुरु आप जानते हैं शकट योग का निर्माण करता है, जिसके कारण जिसकी कुंडली में होता है उसकी कुंडली में उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रहता है। गोचर में बना है तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बन सकती है। अब ये निर्भर करेगा कि आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार तो लग्न में हो गई, लेकिन आपका चंद्रमा अगर अन्य भावों में हुआ मिथुन राशि में तो वो जिस भावों में बनेगा और जिस तरह की दशा चलेंगी उसमें उतार चढ़ाव वाला प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा गुरु का यह संबंध आपको उतार चढ़ाव का प्रभाव तो देगा। मन में एक भारीपन आपको महसूस होगा, क्योंकि 12वें भाव में जब भी चंद्रमा से कोई ग्रह ऐसा बड़ा ग्रह होता है या ऐसा कोई ग्रह होता है जिसकी दशा चल रही हो तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को उस समय पर मानसिक दबाव, चिंता, तनाव, नींद की समस्या, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है। तो यह मानसिक स्थिति के तो मैं यही कहूंगा कि ये गुरु का प्रभाव आपको थोड़ी चिंता में डालने वाला है, थोड़ा तनाव देने वाला है। हाँ, ये है कि गुरु आध्यात्मिक ग्रह है तो आध्यात्मिक क्षेत्रों से आपको जोड़े, कहीं दूर स्थानों से जोड़ने का काम करें, ये संभव है। एनजीओ आदि से आपको जोड़ने का काम करें, ये भी आप देख सकते हैं, यानी आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मानसिक रूप से आपको दबाव या तनाव इस समय महसूस हो सकता है,
ये प्रभाव आपकी चंद्रमा से 12वें में गुरु का गोचर जो प्रारंभ होने वाला है उसके चलते देखने को मिल सकता है। अगर आप जानते हैं लग्न से भी यही स्थिति है, जो आपका लग्न है मिथुन लग्न, तो उससे 12वें में गुरु का गोचर होने वाला है। अब ये तो आप जानते हैं कि 12वें का गोचर न लग्न से न ही राशि से इतना अनुकूल नहीं माना गया है। और लग्न से जो भी ग्रह 12वें में जाता है तो वो स्वास्थ्य के लिए खराब हो जाता है, वो ग्रह आपके जीवन में थोड़े खर्चों को बढ़ाने का काम करने लग जाता है, आपके कार्य में थोड़ी अवरोध या रुकावटें उत्पन्न करने लग जाता है। अब गुरु की बात करेंगे तो गुरु भले ही आपकी कुंडली में केंद्र का स्वामी है, सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी होता है, तो इन दोनों के भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाएगा तो इन दोनों भावों को थोड़ा कमजोर करेगा। अगर आपकी दशा भी कुछ ऐसी चल रही है जो इनमें से किसी भाव को कमजोर कर रही है, यानी सप्तम भाव को या दशम भाव को, अगर आपकी कुंडली में कोई दशा कमजोर कर रही है तो इस समय पर इससे जुड़ा नकारात्मक असर मिल सकता है। जैसे आपने देखा कि दशम भाव आपके करियर का है, नौकरी का है, व्यापार का है, आप जो कार्य कर रहे थे वो छूट गया, 12वां भाव हानि का है तो आपकी कार्य की हानि हो गई, आपका कार्य छूट गया। तो ये स्थिति आपके, अगर दशा इसी प्रकार की हुई तो ये स्थिति बन गई आपके लिए। लेकिन इसका एक और पक्ष है, अगर आपके लिए दशा अच्छी चल रही है, आगे बढ़ने वाला प्रभाव आ रहा है और विदेश जाने वाला प्रभाव आ रहा है, तो आप कार्य के चलते आपको कंपनी विदेश भेज दे या आप स्वयं से विदेश जाके काम करने लग जाए, ये प्रभाव ये गुरु जरूर निर्मित करेंगे। क्योंकि चूंकि दशम का स्वामी है, दशम का स्वामी 12वें में जाने पर कार्य को विदेश से जोड़ता है, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, विदेश से जुड़कर काम करना, ये स्थिति आपके जीवन में बढ़ सकती है। लेकिन दशा अगर अच्छी हुई तो, दशा खराब हुई तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि पर आपके लिए थोड़े मानसिक तनाव, दबाव और चिंता वाला प्रभाव उत्पन्न होगा, जो कि आपको थोड़ा चिंता में डालने का काम ज्यादा करेगा। और आप ये जानते ही हैं कि लग्न से 12वें में जब भी कोई शुभ ग्रह का गोचर होता है तो धार्मिक यात्राएं करवाता है, लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है, घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर भी बन जाता है, वो स्थिति बढ़िया होती है। लेकिन थोड़ा सा प्रभाव ये स्वास्थ्य पर, भले घर में किसी के करे लेकिन चिंता तो आपको देगा ना उससे, ये बात देखने को मिलेगी कि घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ, आपको खर्च करना पड़ा, चिंता आपकी बन गई इस समय पर, आप तनाव में है कि अब कैसे क्या करें, धन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर चिंता है आपकी, ये बातें आ सकती है। क्योंकि वृषभ राशि जो है धन की राशि है, धन कमाने की और धन बचाने की राशि है। अब ऐसी स्थिति में ये 12वें भाव में आपकी कुंडली में और ऊपर से गुरु का गोचर उसमें होने वाला है जो धन का कारक है, ऐसी स्थिति में धन लाभ के तो स्रोत बनेंगे लेकिन सोच विचार कर आगे बढ़िएगा, अन्यथा अन्य की बातों में आकर नुकसान के योग बन सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आकस्मिक लाभ के लिए इतना ना बढ़े, सोच विचार कर अपनी दशा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपको मैंने भी बताया कि गुरु की दृष्टियां जहां जहां पड़ती है वहां अमृत ही बरसाती है, तो गुरु की तीन दृष्टियां है, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवी दृष्टि। अब पांचवी दृष्टि की बात करेंगे तो गुरु की पांचवी दृष्टि कुंडली के पंचम, माफ कीजिएगा, चतुर्थ भाव पर पड़ेंगी। यहां साइड में आप देखते जाइएगा, चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि क्या करेंगी, आपके सुखों पर खर्च करवाए। आपकी दशा इस प्रकार की है कि आपको भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो सकती है, तो यह संभव है कि इस समय पर यह गुरु का प्रभाव घर आदि का सुख प्रदान करे। आप अगर लेने का विचार कर रहे थे तो उसके योग बना दें, घर के लिए, गाड़ी के लिए, यानी भूमि, भवन, वाहन जैसे जो सुख है, भौतिक सुख, उनकी आपूर्ति के लिए गुरु का ये प्रभाव अच्छा है। चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता से संबंधों को अच्छा करेगा, माता का स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होगी उसे ठीक करेगा। चतुर्थ भाव आपका घर होता है, घर में खुशहाली आएंगी, सुख सुविधा का प्रभाव बनेगा, तो ये एक प्रभाव आपके लिए अच्छा आ रहा है। क्योंकि चतुर्थ भाव आपके घर का है, घर का एनवायरमेंट कम से कम अच्छा रहेगा तो आपकी आधी चिंता तो यूं ही दूर हो जाएंगी। घर के लोगों का आपको सहयोग मिले, घर के लोग आपको मतलब अच्छा एक साथ दे, ये सब बातें बढ़ सकती है। हाँ, दशा का सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी गुरु तो अच्छा स्थिति में आ रहा है, कम से कम घर परिवार से जुड़े कार्यों के लिए। फिर आप एक बात देख पाएंगे कि ये गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेंगी। अब इससे क्या होगा, छठा भाव भी और 12वां भाव भी दोनों एक्टिव हो जाएंगे। छठा और 12वां दोनों भाव युक्ति होने पर निश्चित ही ये स्वास्थ्य पर खर्च करवाते हैं। आपको चाहिए कि आप खर्च अगर ज्यादा ना करना चाहे, बचना चाहे इस परेशानी से, तो एक काम कीजिएगा कि आप इस समय अवधि पर जब ये गोचर लगने वाला है उसके कुछ ही समय में आप किसी हॉस्पिटल में जा करके कुछ दवा का दान कर दीजिएगा। कोई व्यक्ति दिखे जिसे आवश्यकता है किसी दवा की, उसे दवा दे दे, उसे दवा दिला कर दे दे, पैसे आप दे दे उसका,
तो ये जो प्रभाव रहेगा, आप जब दूसरों को दवा का दान करेंगे, दवा आप दूसरों लोगों को देंगे, बांटेंगे, तो इससे गुरु का जो प्रभाव है वो समाप्त तो हो जाएगा। जो नकारात्मक स्थिति छठे भाव पर दृष्टि होने से आपके स्वास्थ्य के लिए आ सकती है, ये थोड़ा आपके लिए बचाव वाली स्थिति में आ जाएगा, तो इससे इतना खराब नहीं रहेगा फिर। तो इसीलिए छठे पर दृष्टि होने से इसका ध्यान रखिए। अदरवाइज छठे पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये आपको रोगों से, वैसे आपको तो बचाने का काम करती है, आपकी थोड़ी सुरक्षा जरूर करती है। हाँ, लंबा कोई रोग चल रहा है तो थोड़ा एक्टिव हो सकता है अभी के समय पर, क्योंकि रोग पर खर्च के योग है, लेकिन बचाव फिर भी हो जाएगा। छठा भाव किसी प्रकार के विवाद का, कोर्ट कचहरी मुकदमों का है, तो ये गुरु की दृष्टि इनसे आपको बचाएंगी, इनसे आपको बाहर निकाल करके शुभ और सकारात्मक असर देने का काम करेंगी। आपकी दशा सपोर्टिंग हो तो और अच्छा प्रभाव जल्दी मिल जाएगा, तो ये बात आप देख पाएंगे। गुरु की छठे भाव पर पड़ रही दृष्टि क्या करेंगी कि एक बात जरूर है कि आपका जैसे कहीं पर सोना गुम जाए, क्योंकि गुरु सोने का कारक है, छठे पर जब भी दृष्टि होती है तो अधिकतर मामलों में कई बार सोना गुमना, पैसों का नुकसान होना, पैसे खर्च हो जाना या नुकसान बड़ी मात्रा में होना, सोने को किसी कारण से गिरवी रखना पड़े, ये स्थिति गुरु ले आता है। क्योंकि गुरु कई बार छठे भाव को देख करके लोन मिलने में दिक्कत उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, और लोन कई बार आप लेना नहीं चाहते या रुकते हैं, थोड़ा बचते हैं गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तब, तो ये बात थोड़ी आ सकती है। इसीलिए आपको कई बार सोना गिरवी रख के पैसे लेना पड़े, ये बातें कई बार आ सकती है। तो ये प्रभाव गुरु के चलते यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि होने से जरूर आता है। बाकी विद्यार्थियों के लिए ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए, अपने कोई भी एग्जाम वगैरह उसे क्लियर करने के लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। हाँ, जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए इतने अच्छे योग नहीं है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि छठे पर है, तो नौकरी जिनको नहीं मिली उनके लिए योग अच्छे, नौकरी मिल जाए, नौकरी प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन की कुछ स्थिति बने अगर दशा आदि सपोर्टिंग हो तो, लेकिन ट्रांसफर संभव है। क्यों ट्रांसफर संभव है, छठा बारवा तो एक्टिव हुए ही, इसके साथ में आप देखते हैं कि गुरु की नवी दृष्टि अष्टम भाव पर भी, तो छठा आठवा बारवा तीनों भावों पर गुरु का प्रभाव है। इसके चलते क्या होगा कि त्रिक भाव तीनों एक्टिव रहेंगे गुरु के गोचर के चलते, इसके कारण आपको इस समय पर थोड़ा तनाव, थोड़ा दबाव, थोड़ा सा मतलब चिंता जैसी स्थिति अधिक महसूस हो सकती है, थोड़ा मन में कंफ्यूजन या फिर जल्दीबाजी में आप गलत निर्णय ले ले, ऐसी सब स्थिति बन सकती है। इसीलिए इस समय पर आपको क्या चाहिए कि आप शांत रहे, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और अन्य बड़े लोगों की या अन्य घर के लोगों की सहायता से, उनका सपोर्ट लेकर, उनसे बातचीत करके या कोई प्लानिंग करके फिर आगे बढ़े, एकाएक आगे बढ़ने से आपको इस समय पर बचना चाहिए। बाकी अष्टम भाव पर दृष्टि है तो अष्टम भाव की दृष्टि उसे आयु के लिए अच्छी होती है, आध्यात्म में रुचि प्रदान करती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि शेयर मार्केट में, लोटे सट्टे जुए में भी आपकी रुचि जा सकती है, लेकिन थोड़ा बचाव कीजिएगा अभी। लेकिन एक बात ये जरूर है कि गुरु का प्रभाव जब अष्टम पर जाएगा तो ज्योतिष में, रहस्यमय विषयों में, ओकल्ट साइंस वाले जितने विषय, उनमें आपकी रुचि बढ़ेंगी इस समय पर, आप सीखना चाहेंगे, आप पढ़ेंगे, ये प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है गुरु के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, जो कि एक अच्छी स्थिति है कम से कम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अगर आप इसे भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा खराब प्रभाव ये गुरु का 12वें भाव में जाना आपको प्रदान कर सकता है। अब आप कई दर्शक ऐसा बोलेंगे कि आप तो सब नेगेटिव बताते हैं या फिर आपने बताया, क्योंकि देखिए प्रभाव इस तरह का है, मैं आपको सच बोल करके झूठी बातें बता दूं और आप खुश हो कि चलो कितना अच्छा बताया, और बाद में आप परेशानी में आ जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए दोनों प्रभाव बता रहा हूं कि शुभ है तो कहीं बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, विदेश में बसने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा बन जाएगा गुरु के प्रभाव से, वहां अच्छी स्थिति बन जाएगी। लेकिन फिर भी भौतिक और मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता दे सकता है, इसीलिए मेडिटेशन करने को मैंने कहा है, दवा का दान करने को कहा है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आप ये तो जानते हैं कि गुरु के गोचर से कुंडली के कुछ भाव एक्टिव होने वाले हैं। मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो दी थी गुरु के गोचर से जुड़ी, जिसमें यही बताया था कि गुरु के इस गोचर से कौन कौन से भाव किस प्रकार एक्टिव होने वाले हैं। तो आप यहाँ साइड में चार्ट में देख रहे हैं कि कौन कौन से भाव एक्टिव है। आप चाहे तो विस्तार से समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करके पूर्व की वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने इस पर बनाई है। बाकी मुख्यतः ये जो भाव आप जहां पर टिक लगे देख रहे हैं हरे रंग से, ये भाव एक्टिव रहेंगे। तो अब इससे क्या होगा, देखो छठा भाव एक्टिव, 12वां भाव एक्टिव, 8वां भाव एक्टिव, जैसा मैंने कहा त्रिक भाव का एक्टिव होना संघर्ष रुकावट को बढ़ाता है। लेकिन चतुर्थ भाव एक्टिव रहेगा, पंचम एक्टिव रहेगा, तो आपकी दशा सपोर्टिंग हुई तो आप इस समय पर आगे बढ़ पाएंगे, आप इस समय पर मान सम्मान हासिल कर पाएंगे, और आप इस समय पर घर सुख सुविधा आदि का भी अच्छा प्रभाव ले पाएंगे। ट्रांसफर या परिवर्तन होता है तो अच्छा रहेगा, मतलब कहीं बाहर से आप जुड़ना चाहेंगे, विदेश जाना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप
हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हैं, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा कोई, उनसे जुड़कर काम करते हैं, या लोगों की आप सेवा करते हैं, समाज सेवा आदि में आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा, तो ये बात अच्छी रहेगी। दूसरा भाव भी एक्टिव रहेगा और आठवां भी एक्टिव रहेगा, तो पैतृक संपत्ति मिलने का प्रभाव बन सकता है, क्योंकि दूसरा और आठवां उसके साथ में चतुर्थ भाव, तो प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग ऐसी स्थिति में प्रबल हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो आपकी दशा आदि सपोर्ट करते हैं, आपकी कुंडली के ग्रह योग सपोर्ट करते हैं, तो प्रभाव आपको इसका भी अवश्य से मिल जाएगा। बाकी इस समय पर वैसे तो पंचम भाव एक्टिव है जो संतान का सुख देने वाला भाव बन जाता है, लेकिन इस समय पर गुरु पंचम भाव से देखेंगे तो आठवें में गोचर करते हैं। निश्चित ही दूसरा भाव एक्टिव है तो कुटुंब में वृद्धि होना, कुटुंब में बढ़ोतरी होना, इस तरह का प्रभाव आता है, लेकिन फिर भी ये प्रभाव थोड़ा सा कम आ रहा है। लेकिन अगर कुंडली में दशा आदि सही हुई आपकी तो ये देखने को मिलेगा कि आपको प्रभाव मिल सकता है। आपके मन में आ रहा होगा कि बार बार मैंने दशा का जिक्र किया है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए दशा से बड़ा कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली में कोई योग की ये घटना होने वाली है, लेकिन वो घटना भी तभी होंगी जब उससे जुड़ी दशाएं आएंगी। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि जब भी आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का प्रभाव इस तरह से चलेगा जो उन भावों को एक्टिव करे, तभी उन भाव का प्रभाव भी मिल पाएगा। तो भले ही किसी कुंडली में योग अच्छे हो, अगर दशा सही नहीं आ रही या उसको एक्टिव करने वाली नहीं आ रही, तो व्यक्ति को फिर संघर्ष अधिक करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए मैं कहूंगा कि अगर कुंडली में दशा आदि सही है, आपके कुंडली में जो ये गुरु का प्रभाव है वो भी कम से कम ठीक है, तो इतनी परेशानी नहीं रहेगी जितनी कि नॉर्मल किसी व्यक्ति को जिसकी कुंडली में गुरु खराब है या जिसकी कुंडली में अन्य ग्रह अवस्था कमजोर हो रही है, तो वो व्यक्ति थोड़ा परेशान रह सकता है। बाकी आप अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु का प्रभाव किस तरह का है। निश्चित ही आपकी लग्न राशि से दृष्टियों का प्रभाव तो कम से कम ऐसा है जो बचाव करने वाला है। बाकी जो 12वें में है तो खर्च थोड़ा अधिक होना, धार्मिक कार्यों पर होना, किसी मंदिर आदि कोई बन रहा हो तो वहां पर आप अपने पैसे का दान करें, इसी सब बातें हो सकती है, ये बातें गुरु दर्शा रहा है। बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आप विदेश जाने वाले थे, कहीं बाहर जाने वाले थे, आप प्रयास कीजिए, इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया योग रहेंगे, आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। बाकी अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।